उत्तराखंड में चार धाम नहीं पंचम धाम भी है, वो सैन्य धाम है। तो आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों इस वक्त आदर्श शिवाजी नगर ढंडेरा में मौजूद हूं। आपको बता दूं यहां पर विकास की बात वीरों के साथ कार्यक्रम चल रहा है, पूर्व सैनिकों का ये कार्यक्रम है। आइए जानते हैं, पूर्व सैनिकों से बात करते हैं, भाजपा सरकार में उन्हें क्या फायदे हुए हैं और क्या अब की बार भाजपा सरकार आ पाएगी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं और अभी सभी पार्टियां अब अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। आइए बात करते हैं पूर्व सैनिकों से, आखिरकार वो क्या चाहते हैं और किस विजन के साथ वो 2024 इलेक्शन में वोट करने वाले हैं। आप पूर्व सैनिक हैं? हाँ, पूर्व सैनिक। पूर्व, जब से भाजपा सरकार आई है, जब से सैनिकों के हाथ खुले हैं, क्या खुले हैं? बिल्कुल खुले हैं पहले से। हाँ हाँ, इस तरह से कि पूरे के पूरे मोदी जी के विपरीत, मोदी जी के पक्ष में। क्यों है पक्ष में? मैं पक्ष में है कि भारत में इतना किसी ने नहीं किया 70 साल से। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मोदी जी के आने पर 5-10 साल में इतना डेवलप हो गया है, रोडों से, पानी से, हर एक चीज़ से। हम बहुत खुश हैं मोदी जी। अच्छा, कश्मीर को लेकर बात की जाती है कि अब कश्मीर में दंगे नहीं होते हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं? हाँ, उसको लेकर के ये है कि बहुत है, सैनिकों को जो है वहाँ से वापस बुला रहे हैं अब, ठीक है नहीं, और उसको मतलब स्वतंत्र कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कहेंगे? जब तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री वही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने गढ़वाल का, पूरे हिंदुस्तान का काफ़ी विकास किया है। उन्होंने जो है रोड, फोर लाइन से लेकर के सुरंगें, सैनिकों के लिए क्या किया? सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। डीए के एक रैंक एक पेंशन, सबको समान किया। एक वन रैंक वन पेंशन का बड़ा अच्छा कर दिया है और बहुत अच्छा हुआ है, उनके आने पर ही हुआ। अग्निवीर योजना, अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर क्या कहेंगे? बात की जाती है कि भाई 3 साल के लिए आर्मी में लेंगे और फिर सम्मान नहीं देंगे, तो उसको लेकर? उसको लेकर के तो लोग विपरीत हैं, लेकिन फिर भी हमें तो अच्छा है कि कम समय में मोदी जी जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके बारे में बड़ा अच्छा। कोई को किसी को बेकार नहीं रहने देंगे। अग्निवीर योजना के पक्ष में है? हाँ बिल्कुल है। अब ये हमारे लिए गर्व का विषय है, जो कि कुछ कर्मचारी हमारे सुरंग के अंदर फंस गए थे, उन्होंने ये बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने उनको जो है जल्दी से जल्दी बाहर निकाला, इसमें उनका बहुत योगदान रहा। ऐसे इस राज्य में जो है मोदी जी ने कई कुछ किया, 13 भी हटाया, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ से जीतेंगे। हाँ पक्का है, 99%। हाँ, कांग्रेस जो है सत्ता में आने के बिल्कुल विपरीत हम। हाँ जी बिल्कुल। उमेश कुमार भी चुनाव? हाँ जी हाँ, वो तो आप क्या बोल सकते हैं उनके बारे में, वैसे वो अच्छा काम करके दे रहे हैं, एरिया में अच्छा काम दे रहे हैं, ठीक है, डेवलप रोडों के बारे में और विकास के बारे में अच्छा काम कर रहे हैं उमेश कुमार जी। अब झूठ क्यों बोले? झूठ नहीं, जितना बीजेपी ने किया उतना किसी ने नहीं किया, हम तो साफ बताना चाह रहे हैं, और आगे भी बीजेपी अच्छा काम करेगी। एयर स्ट्राइक से लेकर के और बालाकोट तक उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कराया, उसे हमें बहुत गर्व है।
तो दोस्तों यहाँ पर पूर्व सैनिकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं और काम के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ से भारी मतों से जीतने वाले हैं, ये पूर्व सैनिकों का कहना है। आगे महिलाओं से ही बात करेंगे और पूर्व सैनिक है उनसे ही बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं, जो योजनाएँ हैं सैनिकों के लिए जो योजनाएँ बनाई है क्या वो उन्हें पसंद है या कुछ उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं पूर्व सैनिकों से। और क्या कहेंगे सर, आज यहाँ पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम किया गया है और बताया जा रहा है कि विकास की बात वीरों के साथ, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में एक भारतीय सैनिक एक ऐसा सैनिक होता है पूरी वर्ल्ड की सैनिक में नंबर वन गिना जाता है और वो हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए अपने तन मन धन से अपने प्राण निछावर कर देता है। और उसी प्रकार अगर एक सैनिक को यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में कोई काम दिया जाता है तो उसको अपने तन मन धन से भाजपा सैनिकों के लिए कार्य कर रही है, जो नीति है उसको लेकर क्या कहेंगे? और जो कश्मीर में जो पहले होता था क्या अब हो रहा है? नहीं, ऐसा है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कैप्टन BS रावत 89 और 90 में सबसे पहले मैं श्रीनगर में पोस्टर था, उस समय बिल्कुल पीस था। उसके बाद वहाँ पे 90 में उग्रवाद शुरू हुआ और मैं 94 तक वहाँ पे रहा, उसी प्रॉपर सिटी के अंदर। वहाँ पे जो कंडीशन थी बहुत बुरी थी, लेकिन आज वहाँ पे देखिए लाल चौक में तिरंगा फहराया जाता है, धारा 370 हटाई जाती है, उसका श्रेय आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी हैं, हमारे सैनिकों की जो आहुति है उसको दर्शाता है कि उन्होंने एक देश की अखंडता के लिए क्या काम किया, ये अपने आप में एक मिसाल है। अच्छा, तो जो नीति है उसको लेकर क्या कहें, वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी बात की जाती है और जो चीज़ें हो रही हैं देश में, जो ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी है उसको लेकर? देखिए वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा है उसमें कई चीज़ों में उसमें फॉल्ट है, तो उसको हमने सारी प्रतिलिपि डिफेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, अपने रक्षा राज्य मंत्री सभी को सौंप दिया है और उसमें वो अपनी कैबिनेट मीटिंग करेंगे और उसमें विचार विमर्श करके वो एकदम सॉल्व होगा, वो जायज पॉइंट है, वही किसी से। लोकसभा सीट होट सीट मानी जा रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और पहले पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं, क्या जीत पाएंगे? बेशक आप विश्वास मानिए, ये जीत हिंदुस्तान की जीत है, भारतीय जनता की पार्टी की जीत है और सनातन धर्म की जीत है। आप निश्चिंत होकर रहे, ये सीट त्रिवेंद्र सिंह जी राव जी अवश्य जीतेंगे और जीतेंगे। सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? भाजपा की जो रीति नीति है, जो नीतियाँ हैं उनसे आप खुश हैं और किस प्रकार से देख रहे हैं? बहुत खुश हैं और वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है जो लोकसभा क्षेत्र से उठ चुके हैं, हरिद्वार से उठ गए हैं, उनको यहाँ पे पूरे जिताने की कोशिश करेंगे सभी सैनिकगण। भाई मेरा कहना इतना ही है, सभी सरकारें सैनिकों के लिए काम करती हैं, क्या भाजपा ने ज़्यादा काम किया सैनिकों के लिए? हाँ, बहुत अच्छा काम किया भाजपा ने और हम चाहते हैं कि जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जो है लोकसभा सीट से जो है हरिद्वार से चुना गया है, उनको जो है यहाँ से जीत मिलेगी, पक्का जीत मिलेगी। धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कश्मीर में पहले माहौल था, जो कश्मीर में माहौल था जो पहले, क्या वो अब ऐसा ही है, अब बदला है? नहीं, ठीक माहौल तो ठीक है, अभी कोई वो नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, दोहरा ही नहीं है, अच्छा काम करेंगे भाजपा, अच्छा काम करेगी। तो सैनिकों के लिए क्या अच्छा काम किया है? ये तो जो है जो एक रैंक एक पेंशन का जो है काम किया है भाजपा ने और अभी भी जो है आगे भी देखिए कार्यक्रम हमारे सैनिकों ने किया और मुझे उसमें मिलने का सौभाग्य मिला और तमाम सैनिकों ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने और मतदान कराने का यहाँ पर मुझे विश्वास दिलाया और नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। हाँ, सैनिक धाम बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। जब नरेंद्र भाई मोदी एक बार देहरादून में आए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में चार धाम नहीं पंचम धाम भी है, वो सैन्य धाम है, उसी में से कॉन्सेप्ट दिमाग में आया और हमने पंचम धाम के रूप में सैन्य धाम की नींव रखी थी। इस क्षेत्र में काफी भूतपूर्व सैनिक रहते हैं और आज सम्मेलन में किस तरह का समर्थन मिला? नहीं, आपने देखा है कि तमाम सैनिक किस तरह से उन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया, कितनी खुशी, कितना जोश, कितना उत्साह हमारे सैनिकों में था
ये देखने को मिल रहा था। आप भी सैनिक रहे हैं और इनके बीच मिलकर आप? मैं सैनिक नहीं रहा हूँ, मेरे पिताजी सेना में थे और मेरे पिताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और उस बात का मुझे गर्व है। देखो ये हरिद्वार लोकसभा का सौभाग्य है, यहाँ की जनता का सौभाग्य है कि हमें जो है प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दिया है। अगर इनको दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को रूप में, इन्होंने जब सीएम साहब थे तो यहाँ पे सैन्य धाम का निर्माण करने का काम भाषा ने किया, उसका शिलान्यास से लेके लोकार्पण का काम भाषा ने किया। अभी आप ये देखिए कि यदि यहाँ पे जीत का मार्जिन ज़्यादा होता है और केंद्र में भाषा स्थापित होते हैं एक कैबिनेट मंत्री के रूप में, एक अच्छा मंत्रालय मिले, तो सेवा किसकी होगी? वो सेवा अपने लोकसभा हरिद्वार की होगी, आपकी मान के चलिए। और भाषा ने काम करके दिखाया है, भाषा को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो एक सरल सभ्य और अगर सौम्य इंसान है, उनको कोई भी जाके मिल सकता है। उनकी संघ की पृष्ठभूमि है, शाखा से लेकर वो सीएम तक बने, आप ये मान के चलिए उनको कोई भी आके उनको मिल सकता है, अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। बासा साहब के कोई घमंड नहीं है किसी प्रकार का, जैसे थे वैसे हैं और वैसे रहेंगे वो। नहीं देखिए, ऐसा है कि आप ये मान के चलिए कि पार्टी जो राष्ट्र में काम कर रही है और एक इस पूरी श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो एक सांसद होता है। यदि सांसद को आप मजबूत करके भेजते हैं तो विकास किसका होता है? लोकसभा का विकास होता है। और ये एक ऐसे प्रभावशाली और एक ऐसे असरदार लोकसभा सांसद के रूप में उभर के आएंगे कि इनकी सुनवाई होगी वहाँ पे, पार्लियामेंट में सुनवाई होगी, राष्ट्र में सुनवाई होगी, तो भला किसका होगा? लोकसभा का मैं की सुनवाई नहीं हुई इन 10 सालों में। मैं किसी व्यक्तिगत रूप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन देश जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और भाषा का जो संपर्क है ऊपर, जो भाषा का काम करने की शैली है, जो मुख्य एक सेवक के रूप में यहाँ पे सेवा दे चुके हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में, तो वो निश्चित रूप से एक अच्छा काम करेंगे। इसमें देखो दो चीज़ें शामिल होती हैं, जबकि एक विचार बनता है तो विचार किस कैसे बनता है? एक पार्टी का विचार बनता है, एक व्यक्तिगत रूप से विचार बनता है। तो जब देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो राष्ट्रवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने पूर्व सैनिकों के लिए, मैं बात करूंगा, वन रैंक वन पेंशन का जिसने ऐलान किया 13 में और क्रियान्वित कर डाला 14 में, जिन्होंने छूट दिए फौज को क्या नाम वहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर पे और चीन बॉर्डर पे काम करने की, जिसने फौज का आधुनिकीकरण किया, जिसने निर्माण यहाँ पे अपने 2 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए हैं, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास और सबका साथ लेने का वायदा जिसने किया है, मोदी गारंटी है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 47 में डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, हम उसके साथ में। आप निशंक जी का नाम ले रहे हैं, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मौका सबको मिलता है, उनको 10 साल मौका मिला है, अब भाषा को मौका मिलना चाहिए, इनको भी काम करने की, इनकी शैली अलग है और शैली जो है उसी के अनुरूप होगी जो पार्टी की रीति नीति और अपने उनकी पॉलिसीज वगैरह हैं।